नमस्कार, फिल्मी बातों में आज पेश है शोक अंदाज हीरोइन जीनत अमान को बॉलीवुड में आने के लिए ऐसा करना पड़ा था। दोस्तों, मैं हूं राजेश्वर मधुकर और आज बात जीनत अमान की। हम जीनत अमान के बारे में बात करें उसके पहले आइए बताते हैं जीनत अमान की ज़िंदगी के बारे में कुछ शुरू की बातें। जीनत अमान, जिनका जन्म 19 नवंबर 1951 को हुआ था, हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री और पूर्व मॉडल हैं। इन्हें 1970 और 1980 के दशक के दौरान हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाना जाता है। बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने पर जीनत अमान को परवीन बाबी के साथ हिंदी सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्रियों को आधुनिक रूप देकर उनकी छवि पर स्थायी प्रभाव छोड़ने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, जीनत अमान का जन्म मुंबई में 1951 में एक मुस्लिम पिता और हिंदू माँ के घर हुआ था। उनकी माँ महाराष्ट्र की हैं। जीनत अमान रजा मुराद की चचेरी बहन और अभिनेता मुराद की भतीजी हैं। जब जीनत अमान 13 साल की थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने बाद में हेज नामक एक जर्मनी व्यक्ति से शादी की और जर्मन नागरिकता भी प्राप्त कर ली। जीनत ने मजहर खान से शादी की, हालांकि वैवाहिक जीवन इनका सुखमय नहीं था। दोस्तों, जीनत अमान एक ऐसी भारतीय सीने अभिनेत्री हैं जिन्होंने बोल्डनेस को एक नई परिभाषा दी। जीनत ने जब फिल्मों में कदम रखा तब ज़्यादातर हीरोइनें इंडियन लुक में नज़र आती थीं, लेकिन जीनत ने वेस्टर्न लुक में अपने आप को पेश कर धमाका कर दिया। दोस्तों, बोल्डनेस को भी जीनत अमान ने नई परिभाषा दी। कैमरे के सामने हिचक तोड़ वे बिंदास तरीके से पेश आईं और यही कारण है कि उनके फैंस ने सेक्स सिंबल खिताब से जीनत को नवाजा। जीनत के पिता अमानुल्लाह खान स्क्रिप्ट राइटर थे और बतौर सहायक उन्होंने मुगले आजम और पाकीजा जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी। वे अमान नाम से जाने जाते थे। दोस्तों, जब जीनत 13 वर्ष की थीं तब उनके पिता का इंतकाल हो गया। जीनत ने अपने नाम में पिता का नाम जोड़ लिया और वे जीनत खान से जीनत अमान बन गई। दोस्तों, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि जीनत की मां ने हैज नामक जर्मनी पुरुष से शादी कर ली और वे अपने साथ जीनत को लेकर जर्मनी चली गईं। वहां से वे लॉस एंजल्स पढ़ाई करने लगी, लेकिन 18 वर्ष की उम्र होने के बाद जीनत अमान अधूरी पढ़ाई छोड़कर भारत फिल्मों में एक करियर बनाने के लिए चली आई। दोस्तों, आपको जान करके ये हैरानी होगी कि जीनत बतौर पत्रकार फेमिना में काम किया और बाद में वे मॉडलिंग की तरफ मुड़ी। ताजमहल चाय के लिए उन्होंने मॉडलिंग भी की है। दोस्तों, जीनत ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया और सेकेंड रनअप रही। 1970 में वे मिस एशिया पैसिफिक बनी। जीनत को ओपी रलहन ने फिल्मों में पहली बार अवसर दिया। फिल्म हलचल जो 1971 में आई थी
वो जीना तमान की पहली फिल्म थी। तो दोस्तों ये थी फिल्म अभिनेत्री जीना तमान की ज़िंदगी से जुड़ी 30 बातों का पहला अंक। दोस्तों हम मिलते हैं अगले अंक में जीना तमान के बारे में खास बातें लेकर। दोस्तों इसी चैनल पर राजेश्वर इंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और संजीव कुमार पर 3 सीरीज उपलब्ध है, जिसमें उनके जीवन से संबंधित और फिल्मी योगदान को बताया गया है। आप राजेश्वर इंटरटेनमेंट पर आप उसे देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आज तक आप लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ये बताइए कि आपको किस फिल्मी हस्ती के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अब अनुमति दीजिए अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए राजेश्वर इंटरटेनमेंट। नमस्कार।